बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदील शौकत और आप देख रहे हैं कुकरी ददील। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए एक नए अंदाज की रेसिपी लेके आया हूं कि किस तरह आप कम वक्त में बहुत अच्छी चीज़ खा सकते हैं। तो क्या है, ध्यान से देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, एक खूबसूरत सा आपने बाउल लेना है और इस बाउल के अंदर खूबसूरत से 3 अंडे आपने ऐड कर देना है, जल्दी जल्दी फटाफट से। ठीक हो गया। चलें जी, इसको ऐड कर देने के बाद 1/2 टीस्पून आपने इसमें नमक ऐड करना है और 1/4 टीस्पून काले मिर्च का पाउडर जाएगा, और कोई चीज इसमें आपने ऐड नहीं करनी। कहां भी ऐड करनी है ये आगे चल के आपको दिखाता हूं। चलें जी, अच्छे से हमने इसको बीट कर देना है। अच्छा बीट करेंगे तो आपकी रेसिपी भी अच्छी बनेगी। चलें, खूबसूरत सा हमने लेना है फ्राई पैन और इसका फ्लेम जो है वेरी लो रहेगा। याद रखना है आपने, ये सारी रेसिपी जो है बहुत ही कम लो फ्लेम पे बनेगी, बहुत कम आपने इसका फ्लेम रखना है। चलें, हर तरफ आपने ऑयल को फैला देना है ताकि पैंदे में हर तरफ फैल जाए और जब हम अंडे की रेसिपी तैयार करें तो अच्छे से रेडी हो। ठीक हो गया। चलें जी, अंडा सारा इसमें हमने डाल देना है, कोई भी बूंद जो है बाउल में आपने रहने नहीं देनी अंडे की। ठीक हो गया। चलें, इसको ऐड कर देने के बाद फ्लेम आप चेक कर लें कि वेरी लो फ्लेम मैंने रखा हुआ है। ठीक हो गया। अगर फ्लेम तेज होगा तो जब तक ये हम टॉपिंग करेंगे ये आपका अंडा नीचे से जल जाएगा, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। बारीक खूबसूरत सी कटी हुई हमने बंद गोभी ऐड कर देनी है। आप चाहें किसी भी स्टाइल में काट सकते हैं, चॉप करना चाहें तो चॉप भी कर सकते हैं। चलें, अब लेफ्ट वाली साइड पे रहते हुए आपने सारी चीज़ें ऐड करनी है। बारीक कटी हुई गाजर तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब ऐड कर देंगे और साथ में जो है हमने प्याज ऐड कर देना है, खूबसूरत से चॉप किए हुए कटे हुए। ठीक हो गया। चलें, प्याज ऐड कर देंगे और इतनी ही मकदार में मैंने ली है जी टोमेटो लिया है मैंने। ठीक है, आप कोई भी चीज़ अपनी मर्ज़ी से कमियाँ ज़्यादा कर सकते हैं सिवाय मसालों के जो हमने ऐड किए थे। ठीक हो गया। चले जी, अब हमने शिमला मिर्च इस तरह से खूबसूरत सी कटी हुई ऐड कर देनी है, इसको एक अलग जायका अलग टेस्ट देने के लिए कि इससे जो है टेस्ट आपका इन्हेंस होगा। ठीक हो गया। चले, अब हमने यहाँ पे सब्ज मिर्च का इस्तेमाल किया है, मैंने ली है जी 2 छोटी सब्ज मिर्चें। और अब अहम स्टेप के आपने लेनी है, कोई भी चिप्स लेज ले लें या कोई भी ले लें, आपने इस तरह से तोड़ के इसके ऊपर ऐड कर देनी है। याद रहे आपने इसका बिल्कुल चूरासानी बना देना। ठीक हो गया। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है, हर काम तरतीब के साथ करेंगे ना तो इंशाल्लाह मज़ा भी तरतीब वाला ही आएगा और आपका दिल खुश हो जाएगा। चले, फ्लेम थोड़ा सा मैंने यहाँ पर हाई किया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा कम लगा था, कम हो गया तो उसको हाई कर सकते हैं, हाई हो गया तो फिर आपका अंडा जल जाएगा। इस फ्लेम को आपने खुद मैनेज करना है और ध्यान के साथ मैंने आपको समझा दिया। ठीक है। चलें, इस तरह पलट देने के बाद आपने हल्का सा प्रेस कर देना है और इसको जो है हमने थोड़ी देर के लिए इस तरह दबा के पकाना है और कवर करके पकाएंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो चलिए, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और हमारा खूबसूरत सा अंडा जो है, खूबसूरत सी रेसिपी जो है वो रेडी हो चुकी है दोस्तों। तो इसकी अब आपको फाइनल लुक मैं दिखाने जा रहा हूँ जो कि आपने मिस नहीं करनी। इसको खाना किस तरह से देखते जाइए। चले जी, इसको आपने दरमियान में से कट हाफ कर लेना है और साथ ही साथ ये जो 2 पीस बने हैं इनको मज़ीद आपने कट हाफ कर लेना है इस तरह से, जिस तरह से पिज़्ज़े के स्लाइस होते हैं उस तरह से आपने इसको कर लेना है। ठीक हो गया। चले, एक खूबसूरत सी इनकी तरतीब लगा लेंगे तो देखें कितना गर्मा गर्म और यमी सा हमारा जो है आज का स्नैक कह लें या फिर अंडा कह लें या रेसिपी कह लें रेडी हुई है, जिसको खा के आपको मज़ा ही आ जाएगा। साथ में ले एक कोक का गिलास तो इंशाल्लाह दोस्तों आपको मज़ा ही आ जाएगा। अगर आपको लगता है दोस्तों कि मैंने कुछ आपके लिए अच्छा किया, अच्छा सिखाया, अच्छा बताया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।